हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे, रूस ने बनाया है न्यू बम FAV-3000 हवा में तैरते हुए जाता है और टारगेट तक यूक्रेन में मचा रहा है तबाही। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, आखिरकार रूस दिन प्रतिदिन कैसे न्यू वेपन सिस्टम को अपडेट कर रहा है। रूस की वायुसेना ने अपने न्यू बम का खुलासा किया है। इस बम में गाइडेंस के लिए अपडेट हो रहा है और गाइडेंस को फिट करके लगाया जा रहा है। यदि मैं बात करूं, यानी टारगेट को सेट करने के बाद बम को फाइटर जेट से छोड़ दिया जाता है। बम जो है हवा में तैरते हुए टारगेट को बर्बाद कर देगा। इसका नाम FAV-3000 है। इससे ताकतवर रूसी बम का इस्तेमाल और यूक्रेन में अपडेट करने के लिए किया गया है और जो अभी जंग के लिए तैयार हो चुका है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या भारत आने वाले दिन में इसको लेना चाहेगा या भारत इसके ऊपर काम करेगा। देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके अपने न्यू बम का फेस कर चुका है। इस बम का इस्तेमाल रूसी वायुसेना कर रही है। इसे यदि हम बात करेंगे फेरियल बम के नाम पर, FAV-3000 या FAV-3000 के नाम पर परिचित है। इस बम में नया गाइडेंस सिस्टम लगाया गया है। यह पुरानी बम की तरह, यदि मैं बात करेंगे, सीधे नहीं गिरता है बल्कि हवा में तैरते हुए टारगेट की तरफ बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये एक बेहद सटीक और भयानक तबाही मचाने वाले बम है। इसमें नया और यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड एक्शन को UPMP को लगाया गया है। यह एक, यदि मैं बात करूँ, निवेश और सिस्टम वाले पंखा है जो बम के हवा में दिशा और गति प्रदान करता है। रूस अपने वायुसेना SU-34 बम बरसक जरिए इस बम का यूक्रेन पर गिरा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कुछ ही जो अपडेट आ रहा है, कुछ लोग इसे अमेरिका बम बा ZDAMER के तहत अपडेट कर रहे हैं, रूसी वर्जन भी कह रहे हैं। UPMK यदि हम बात करेंगे, खास तरह पर एक गाइडेंस सिस्टम है जिसमें, यदि हम बात करेंगे, न्यू अपडेट के तहत आगे आ रहा है और इस हिसाब से इंसरेल नेविगेशंस और सैटेलाइट के तहत इस निवेशन का मिश्रण हो रहा है। यानी यह बम थोड़ा खराब और मौसम में भी गिराया जा सकता है। बम की यदि हम बात करेंगे, विंग्स यानी पंखे पहले ही फोल्ड रहते हैं, दागने के बाद ये खुल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो इमेज आप देख रहे हैं, हवा में तैरते हुए टारगेट की तरफ बढ़ता है बम, फिर बम को हवा में तैरते हुए टारगेट की तरफ लेकर जाता है। इस बम का वजन यदि हम बात करेंगे 3 टन है। इसके अंदर यदि मैं बात करूं, आधे वजन का एक TNT भरा है और इसे टारगेट की तरफ 70 किलोमीटर दूर से दागा जा सकता है। अगर यह टारगेट 300 फीट दूर तक भी गिरता है तो भी टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्फोटक बहुत ही खतरनाक है। यूक्रेन की डिफेंस सिस्टम की रेंज के ये बाहर है। यह बम यूक्रेन के कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम के पहुंचने के बाद बहुत ही बाहर पे अपडेट हुआ था। FAV-3000 सोवियत समय में बनाया गया था। यह जनरल परपज हाई और एक्सपेशंस एयरलेंस बम है। वजन इसका 3000 किलोग्राम है। यह बम करीब 13.8 फीट लंबी होते हैं, 2.1 फीट का इसका व्यास होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, 3000 किलो की बम में 1400 किलो विस्फोटक आप ऐड कर सकते हो। देखिए, इसमें खतरनाक विस्फोटक का मिश्रण होता है और इसमें टारगेट भरा जाता है, यानी TNT और एल्युमिनियम फाउंडर, और इसके विस्फोटक की ताकत बढ़ा जा सकता है और इसमें कई तरह की फ्यूज लगाया जा सकता है। यानी टारगेट और विस्फोटक के प्रकाश आधार पर फ्यूज लगाकर इसमें अपडेट किया जा सकता है। और बम करीब 1400 किलोग्राम हाई एक्सोलिस पदार्थ को अपडेट किया जा सकता है। इस बम का विस्फोटक रेडिएशन बेहद बड़ा रहता है। जमीन के नीचे भी हो या दुश्मन कहीं पर भी हो, यह अपडेट दे रहा है कि जमीन के नीचे भी हो या दुश्मन तो बच नहीं सकता। यह बम किसी भी इमारत, किला या बख्तरबंद हल्के की गाड़ी की बात करो, हेलीकॉप्टर की बात कर सकते हो, मिनटों में मिला सकता है। यह बम कितने भी मोटी दीवार क्यों ना हो, उसको तोड़ सकता है। जमीन के नीचे मौजूद सुरंग में छुपी दुश्मन को खत्म कर सकता है। जब यह बम फटता है तो इसके किसिंग फट जाता है और इसके साथ ही ब्लास्टिक प्लेटफॉर्म बहुत ही अपडेट होता है और इसके विस्फोटक से तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। यानी कि जो बम है, इसमें जो पंखा लगा है, जो विस्फोटक है, जब ये विस्फोट करेगा, पूरी नातानाबूद कर देगा उस एरिया को और साथ साथ खुद भी विस्फोट हो जाएगा। तो रूस आने वाला दिन में और भी ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे न्यू अपडेट आ रहा है, ज़रूर हम हमारे डिफेंस चैनल में आप लोगों के साथ चीज़ों को अपडेट कराएंगे। तब तक फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़।